हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम कैनाल फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैनाल फॉल क्या होता है ये हम देखेंगे, और उसके बाद उसके जो भी टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि कैनाल फॉल होता क्या है। व्हेनेवर द अवेलेबल नेचुरल ग्राउंड स्लोप इज स्टीपर देन द डिजाइन बेड स्लोप ऑफ द चैनल, द डिफरेंस इज एडजस्टेड बाई कंस्ट्रक्टिंग अ वर्टिकल फॉल्स और ड्रॉप इन द कैनाल बेड एट अ सुइटेबल इंटरवल। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जब भी हमारा जो अवेलेबल ग्राउंड स्लोप है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा अवेलेबल ग्राउंड स्लोप है और ये क्या है हमारा डिजाइन ग्राउंड स्लोप है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी हमारा जो अवेलेबल ग्राउंड स्लोप रहता है वो क्या होता है, स्टीपर होता है हमारे डिजाइन ग्राउंड स्लोप से। तो हमारा जो अवेलेबल ग्राउंड स्लोप हमारा क्या होता है, जो हमारा नेचुरली पहले से ही अवेलेबल है हमारा ग्राउंड का जो स्लोप है, और हमारा जो डिजाइन स्लोप होता है वो क्या होता है कि इसी स्लोप में हम लोगों को क्या करना है, हमारे कैनाल को डिजाइन करना है। हमारा जो कैनाल का जो बेड लेवल होगा वो इसी स्लोप में प्रेजेंट होगा। तो तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि जब हमारा अवेलेबल जो ग्राउंड स्लोप रहता है वो स्टीपर रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा एंगल, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो एंगल है वो हमारा कम है, ये जो एंगल है हमारा ज्यादा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा अवेलेबल ग्राउंड स्लोप है वो स्टीपर है, ज्यादा है किससे, हमारे जो डिजाइन स्लोप है उससे। तो हमको इस डिफरेंस को एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिलअप कर देते हैं। ठीक है, जहां अगर हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे कुछ मटेरियल, तो ये जो हमारा क्या था अवेलेबल स्लोप था, तो फिलअप करने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर हम फिलअप कर देंगे तो ये हमारा इसका जो स्लोप हो जाएगा किसमें आ जाएगा, डिजाइन स्लोप में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बाद जो हमारा स्लोप देख रहे हैं आप, ये हमारा जो डिजाइन वाला हमको मिलेगा। सिमिलरली ये जो हमारा अवेलेबल था इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कट लगाएंगे तो इसका जो स्लोप फाइनल ये वाला बन जाएगा, और ये वाला जो स्लोप है वो हमारे किसके स्लोप के इक्वल है, ये देखिए आप, ये डिजाइन के इक्वल है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिजाइन जो हमारा जो अवेलेबल स्लोप था, ग्राउंड स्लोप था, उसको हमने डिजाइन में यहाँ पे किया है। यहाँ पे कैसे क्या किया है, कट किया है, ग्राउंड स्लोप जो है हमारा नेचुरल ग्राउंड स्लोप में यहाँ पे हम कटिंग लगाए हैं, यहाँ से हमने कट किया, तो फिर हमको क्या मिला, यहाँ पे ये डिजाइन स्लोप मिला। सिमिलरली यहाँ पे जो नेचुरल ग्राउंड स्लोप था उसमें हमने कुछ फिल किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मटेरियल ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फिल किया, तो ये जो स्लोप हमको फाइनली मिलता है ये हमारा क्या होता है, डिजाइन स्लोप होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये डिजाइन स्लोप मिला हमारा किससे, अवेलेबल ग्राउंड स्लोप है उससे। उसके बाद भी हम आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, फिलिंग किया है। क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या था, अवेलेबल था। ठीक है, ये जो था हमारा क्या था, अवेलेबल था, तो इसमें हमने क्या किया, फिल किया है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा क्या है, फिल किया है हमने, तो इसका जो फाइनल स्लोप है फिल करने के बाद वो इस तरह से हो गया। ये किसके पैरलर है, और डिजाइन स्लोप के पैरलर है। तो इस तरह से हमने जो अवेलेबल ग्राउंड स्लोप था उसको किसमें कन्वर्ट किया, हमारे डिजाइन स्लोप में कन्वर्ट किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, और इसका जो स्लोप रहेगा हमारा इस तरह से जाएगा, जो कि ये जो है इसके पैरलर होगा। तो इस तरह से हम रेगुलर इंटरवल में कटिंग और फिलिंग करेंगे, तो ये जो हमारा क्या बन जाएगा, डिजाइन स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा अवेलेबल स्लोप है, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा अवेलेबल स्लोप है इसको हमने डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, फिल किया है, फिर कट किया है, फिर फिल किया है, फिर कट किया है, एक रेगुलर इंटरवल में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अवेलेबल ग्राउंड स्लोप को डिजाइन स्लोप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फिल करते हैं, अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब हम यहाँ पे फिल करते हैं तो ये फिल जो है हमारा क्या रहेगा, स्टेबल तो रहेगा नहीं। ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी तो बह सकता है यहाँ से, तो हमने हमको ये स्टेबल करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि कंक्रीट का एक दीवार कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्टिकल फॉल बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है हमारा जो सॉइल है वो तो स्टेबल रहेगा नहीं, तो उसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्रीट का एक वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, मेजनरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेजनरी मतलब ये किससे बना होगा, हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट से हमारा जो बना रहेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, मेसनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा, या फिर कंक्रीट का स्ट्रक्चर कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने कट किया तो इसको यहाँ पे वर्टिकल फॉल प्रोवाइड किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हमने फिलअप किया है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे।
ठीक है, जिससे कि ये जो है हमारा क्या क्या रहेगा, हमारा स्टेबल रहेगा ये जो फिलअप है वो। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने कटिंग किया है, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉन्क्रीट का, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिकल फॉल कहलाएगा या फिर वर्टिकल ड्रॉप कहलाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, जो हमारा कटिंग और फिलिंग को सपोर्ट करने के लिए हमने क्या बनाया है, यहाँ पे मेजनरी का स्ट्रक्चर बनाया है रेगुलर इंटरवल में, तो ये हमारा क्या कहला रहा है, वर्टिकल ड्रॉप कहला रहा है। तो ये होता है हमारा वर्टिकल ड्रॉप, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, हमारा कैनाल फॉल कह सकते हैं। सच अ पक्का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैनाल फॉल और कैनाल ड्रॉप, या फिर जो हमारा वर्टिकल ड्रॉप है वो हम कह सकते हैं। तो ये यही होता है हमारा कैनाल फॉल। और आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स है। इस सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑगी फॉल को। तो इसमें क्या बोलता है, एन ऑगी कर्व, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स कर्व एंड कॉन्केव कर्व। यहाँ पे देख सकते हैं आपके जब वाटर फ्लो होता है, तो ये जो वाटर का शेप हो रहा है वो कैसा है, कॉन्वेक्स अपवर्ड है, और ये जो शेप है हमारा क्या है, कॉन्केव अपवर्ड है। तो यही बोला है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स कर्व एंड कॉन्केव कर्व इज प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग द कैनाल वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। कैनाल वाटर जो रहेगा हमारा, उसको हम हायर लेवल से लोअर लेवल में हम पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, ओगी फॉल का हम यूज करेंगे। ये भी हमारा किससे बना होगा, कॉन्क्रीट से बना होगा। और इसको हम कब प्रोवाइड करते हैं, इट इज लिमिटेड टू लो डेप्थ। ठीक है, इसको हम लो डेप्थ में प्रोवाइड करते हैं, ड्यू टू स्मूथ ट्रांजिशन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज नॉट रिड्यूस सिंस इट मे कॉज इरोजन इन बेड स्ट्रीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लो काफी स्मूथ है। ठीक है, यहाँ पे फ्लो काफी स्मूथली जा रहा है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि इरोजन होता है। ये जो देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, बेड स्ट्रीम है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन हमारा क्या होता है, जब यहाँ से हाई वेलोसिटी में वाटर आएगा तो क्या होगा, ये एडी प्रोड्यूस होगा। एडी के कारण यहाँ पे क्या होंगे कि यहाँ पे जो सॉइल्स पार्टिकल होंगे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इरोजन कहलाएगा। इट हैज हाई डिस्चार्ज एफिशिएंसी। ठीक है, जब हमको हाई डिस्चार्ज एफिशिएंसी प्रोवाइड करना है, तब हम क्या क्या लेंगे, ऑगी फॉल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड होता है वो क्या होता है, रैपिड फॉल। रैपिड फॉल क्या होता है और ये कब सुटेबल होता है, जब हमारा जो ग्राउंड सरफेस रहता है वो क्या होता है, लॉन्ग रहता है, तब हम क्या यूज करते हैं, रैपिड फॉल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ग्राउंड सरफेस क्या है, लॉन्ग है और स्टीपर है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे, जैसे कि ये लॉन्ग है, तो जैसे जैसे वाटर फ्लो होगा यहाँ से, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्लोप्ड है और बहुत लंबा है। और जब यहाँ पे, जब ये वाटर, जब यहाँ पे ये स्लोप खत्म होगा, तो फिर ये वाटर क्या करेगा, यहाँ पे एडी फॉर्म करेगा, एडी फॉर्म करेगा, और जो हमारा बेड है, ये जो बेड है, इसको क्या करेगा, इरोड करेगा। ठीक है, तो फिर इसको इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच बीच में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं, यहाँ पे बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं, ताकि ये जो है हमारा जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है उसको कम कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इस तरह से हमारा क्या होता है, बीच बीच में ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से हमारा बीच बीच में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो कि वाटर के वेलोसिटी को कम करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो स्लोप है वो काफी लंबा होता है रैपिड फॉल में, इसीलिए जो इसका कॉस्ट रहता है वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हमको क्या, हम इसको बोलते हैं, दे आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर। और इसको हम लोग नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं, यमुना कैनाल में यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप आप देख रहे हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 1 in 10 से 1 in 20 में। ठीक है, मतलब कि क्या है, 1 हॉरिजॉन्टल में अगर हम जा रहे हैं तो 10 हमको किधर जाना पड़ेगा, वर्टिकल में जाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ 1 हॉरिजॉन्टल में तो 10 वर्टिकल में, तो उससे जो स्लोप हमारा बनेगा, तो ये जो रहता है हमारा स्लोप रहता है, इनके बीच में रहता है, 1 in 10 से 1 in 20 के बीच में रहता है। और इसको हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब हमारा लॉन्ग ग्राउंड स्लोप रहता है तब। और यहाँ ये कहाँ का कंस्ट्रक्ट होता है, जनरली हमारा जो यमुना कैनाल है वहां पे हम इसको देख सकते हैं, और ये काफी कॉस्टली रहता है एज कंपेयर टू अदर कैनाल जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, स्टेप फॉल। स्टेप फॉल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल ड्रॉप्स प्रेजेंट होता है हमारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप से जब हम फॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमारा क्या है अपस्ट्रीम, ये हमारा क्या है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे जब वाटर डायरेक्टली यहाँ पे फॉल होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये जो डेप्थ है हमारा क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा तो इसके कारण क्या करेगा, ये जो वाटर है हमारा जो सॉइल प्रेजेंट होगा इस बेड पे उसको क्या करेगा, इरोड करेगा, स्कोरिंग होगा, जिसके कारण यहाँ पे जो हमारा जो सॉइल पार्टिकल होंगे वो रिमूव होंगे, ठीक है, बेड में जो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको हमको अवॉइड करना है, तो हम क्या करेंगे कि जब वाटर आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली इसको फॉल नहीं कराएंगे, बल्कि यहाँ पे बीच में स्टेप्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, इस वाटर जो डायरेक्टली फॉल हो रहा था इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि ये जो हमारा अपस्ट्रीम था ये हमारा डाउनस्ट्रीम था, तो इनके बीच में हमने क्या किया है, इस टाइप से स्टेप्स कंस्ट्रक्ट कर दिया है, जिसके कारण जो हमारा वाटर की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो फाइनली जो स्कोरिंग होगा हमारा यहाँ पे वो कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम स्टेप फॉल प्रोवाइड करते हैं। अब आप बोलेंगे कि स्टेप फॉल में भी तो यही हो रहा है, रैबिट फॉल में तो भी यही हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो हमारे स्टेप फॉल होता है वो क्या होता है कि जो रैपिड फॉल होता है उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेप फॉल है और रैपिड फॉल है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि ये जो हमारा शो हो रहा है ये हमारा क्या है, रैपिड फॉल है। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा स्टेप है इसका जो विथ है वो बहुत ही कम है, ये देखिए बहुत ही स्लाइट, बहुत ही कम विथ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। जो हमारे स्टेप्स हैं उनमें बहुत ही कम विथ प्रोवाइड किया है, लेकिन जो हमारा स्टेप्ड फॉल है उसमें क्या है, ये जो विथ है हमारा स्टेप का ये ज्यादा रहता है, ठीक है। यही हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है। जब हमारा जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का लेवल के बीच में ज्यादा डिफरेंस रहता है तब हम यहाँ पे ज्यादा विथ का स्टेप प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा स्टेप्ड फॉल है उसमें। दिस स्टेप इज सुटेबल इन अ प्लेस वेयर स्लोपिंग ग्राउंड इज वेरी लॉन्ग एंड रिक्वायर अ लॉन्ग जेंटल स्लोप टू कनेक्ट द हायर बेड लेवल एट अपस्ट्रीम विद द लोअर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। जहां जहां पे हमारा लॉन्ग स्लोपिंग ग्राउंड लेवल अवेलेबल होता है वहां पे हम इस टाइप का फॉल जो है प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा क्या है, स्टेप फॉल है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेपेजॉइडल फॉल, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, इन दिस द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ सेवरल ट्रेपेजॉइडल नोचेस बिटवीन द साइड पियर्स एंड द इंटरमीडिएट पियर्स। तो जो हमारा पियर्स रहता है, जैसे कि ये जो हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, ये जो है हमारे क्या है पियर्स हैं, तो इनके बीच में क्या बोलेगा कि हमारा नोचेस होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ट्रेपेजॉइडल नोचेस बिटवीन द साइड पियर्स एंड इंटरमीडिएट पियर्स। और क्या होता है, ये जो नोचेस दिख रहे हैं आपको, इससे क्या होता है हमारा कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज फ्लो होता है। और ये किस टाइप के लिए हमारा एप्लीकेबल है, जब हमारा लो डिस्चार्ज का केस होता है उसके लिए हमारा ट्रेपेजॉइडल फॉल एप्लीकेबल है। और जो हमारा क्या होता है सील्स ऑफ द नोचेस, सील्स क्या होता है, ये देखिए ये जो हमारा नोच है इसका जो बॉटम एज है ये हमारा क्या कहलाता है, सील कहलाता है, ठीक है। तो सील्स ऑफ द नोचेस आर कीप्ट एट द अपस्ट्रीम बेड लेवल ऑफ द कैनाल। तो ये अपस्ट्रीम लेवल पे हमारा जो है नोचेस हमारा मिलता है, ठीक है। नोचेस को हम बनाते हैं अपस्ट्रीम लेवल पे, यहाँ पे आप फिगर में भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये जो गैप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो गैप है ये हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या है नोचेस है, ये हमने यहाँ पे ये नोचेस बनाया है, ये जो है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका सील्स होगा या फिर इसका जो बॉटम पोर्शन होगा ये हमारा कहाँ लाई करेगा, अपस्ट्रीम में लाई करेगा, क्योंकि ये जो हमारा डाउनस्ट्रीम है और इससे पहले जो होगा हमारा क्या होगा अपस्ट्रीम होगा। तो इसका जो बॉटम पोर्शन होगा हमारा नोचेस का वो कहाँ पे लाई करेगा, अपस्ट्रीम में लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है नोच है। इट मे बी ऑफ सिंगुलर और नंबर ऑफ ओपनिंग्स कंस्ट्रक्टेड एट हाई क्रेस्टेड वॉल प्रोवाइडिंग अ स्मूथ इंट्रेंस टू डाउन स्ट्रीम। ये कहाँ कहीं पे भी हम एक या फिर एक से ज्यादा नंबर के हम नोचेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, अपस्ट्रीम में प्रोवाइड करते हैं एट क्रेस्ट लेवल पे, ठीक है। ये जो हमारा नोचेस का जो बॉटम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सील है, ये कहाँ पे होता है, ये हमारा क्या है बॉटम ऑफ जो हमारा नोच है, या फिर ये हमारा क्या है हमारा जो क्रेस्ट लेवल है ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से हमारा क्या जा रहा है वाटर जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा क्रेस्ट लेवल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है लेवल ऑफ वॉल से हमारा जो वाटर है पास होके जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेस्ट लेवल कहलाता है।
और इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिस्चार्ज वैल्यू जो रहता है वो बहुत कम रहता है, उसके लिए हमारा क्या यूज होता है, ये नोचेस यूज होते हैं, और ये क्या होते हैं कि इकोनॉमिकल रहते हैं हमारा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वर्टिकल ड्रॉप फॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, सारदा टाइप फॉल भी बोलते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सारदा टाइप फॉल को हम डिजाइन करेंगे। अधिकतर सेमेस्टर एग्जाम में हमको क्या देता है, सारदा टाइप फॉल को डिजाइन करने के लिए देता है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, इसकी डिजाइनिंग को देखेंगे। तो यहाँ पे बस हम ब्रीफली देखेंगे कि हमारा जो शारदा फॉल है वो होता क्या है, इसमें क्या होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जब जो हमारा रैपिड फॉल था या फिर स्टेप फॉल था, तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टेप बना दिए थे, ठीक है, ताकि जो हमारा यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है उसका इरोजन ना हो, ठीक है। जो हमारा वाटर का वेलोसिटी को कम करने के लिए हमने यहाँ पे स्टेप फॉर्म कर दिया था, इसलिए जो हमारा फॉल था वो ज्यादा ही कॉस्टलियर हो जा रहा था। तो उसको हमने इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मेन तो हमको किस चीज को प्रिवेंट करना था, यहाँ पे ये जो सॉइल था यहाँ पे इसका इरोजन जो हो रहा था पानी के यहाँ से गिरने से, ठीक है, वाटर के फॉल होने से ये सॉइल का जो इरोजन हो रहा था इसी को हमको प्रिवेंट करना था। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वाटर कुशन प्रोवाइड किया। कितने लेंथ तक, ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये जो लेंथ है हमारा कितना है, एक्स है, ठीक है, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये एक्स लेंथ है। तो यहाँ से ये जो लेंथ है हमारा, यहाँ से ये एक्स लेंथ में हमने ये जो एक्स लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्स लेंथ में हमने क्या प्रोवाइड किया है, सिस्टर्न प्रोवाइड किया है। तो जब हम वाटर यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे वाटर कुशन है, ठीक है, तो इसके कारण ये जो हमारा जो सॉइल है इसको क्या करेगा, इरोड नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पे जो वाटर कुशन प्रेजेंट है इतने हाइट तक, यहाँ पे वाटर कुशन हमने प्रोवाइड किया है, तो इसके कारण जो हमारा वाटर आएगा भी यहाँ से, तो वो जो हमारा सॉइल है इसको इरोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अ सिस्टर्न इज फॉर्म टू एक्ट एज अ वाटर कुशन। सिस्टर्न हमारा क्या है, जो ये एक्स डिस्टेंस हमने तक, ये एक्स डिस्टेंस तक जो हमने वाटर फिलअप किया है, ये हमारा क्या कहला रहा है, सिस्टर्न कहलाएगा, जो एक्स डिस्टेंस होगा हमारा, और ये जो पूरा वाटर फिलअप है ये हमारा क्या कहलाएगा, वाटर कुशन कहलाएगा। और इसी के कारण जो हमारा इरोजन होगा यहाँ पे, जब वाटर गिरेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, एडीज का जनरेशन होता है। तो इसके कारण जो हमारा सॉइल रहा यहाँ पे प्रेजेंट रहता था वो क्या होते थे, यहाँ पे इरोजन होते थे उनका। तो यहाँ पे वाटर कुशन प्रेजेंट है तो ये ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा हमारे सॉइल्स को, पहले से यहाँ पे सिस्टर्न या फिर बोल सकते हैं एक्स लेंथ तक हमारा क्या है, हमने वाटर ऑलरेडी फिलअप करके रखा है। तो जब यहाँ से वाटर फॉल होगा भी तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हमारे सॉइल को, एज ए कुशन ये एक्ट करेगा, ठीक है, इसी के कारण। तो ये हमारा क्या होता है, शारदा फॉल होता है। इसमें हमको स्टेप वगैरह बनाने का कोई नीड नहीं रहता है, और इसीलिए ये इकोनॉमिकल भी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है स्टेप वगैरह बना के। तो ये हमारा जो वर्टिकल ड्रॉप टाइप या फिर शारदा फॉल रहता है, ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल टाइप का होता है। यही लिखा है यहाँ पे, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इकोनॉमिकल, लॉसेस में भी हाई इन केस ऑफ हायर डेप्थ। जब हमारा डेप्थ ज्यादा रहेगा तो लॉसेस तो एनर्जी के ज्यादा होंगे ही। और फॉर डिस्चार्ज अप टू 50 क्यूमैक्स वर्टिकल ड्रॉप फॉल इज यूज, मतलब कि जब हमारा जो डिस्चार्ज रहेगा कब तक रहेगा, अप टू 50 क्यूमैक्स, मतलब 15 m³/s तक जब हमारा डिस्चार्ज रहेगा तभी हम क्या यूज करते हैं, शारदा टाइप फॉल या फिर वर्टिकल ड्रॉप फॉल को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या वर्टिकल ड्रॉप फॉल है, जिसमें कि हमने कोई भी स्टेप प्रोवाइड नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पे हम एक्स हाइट तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं, वहां तक हम वाटर कुशन को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप का फॉल है वो किस टाइप का है, स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट ग्लेशियस प्रोवाइडेड विथ अ क्रेस्ट वॉल। इस ग्लेशियस हमारा क्या होता है, पहले आप ये समझिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्लोप है या फिर स्लैंटेड है, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्लेशियस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, स्ट्रेट ग्लेशियस होते हैं प्रोवाइडेड विथ अ क्रेस्ट वॉल। ये आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, क्रेस्ट वॉल है। फॉर डेसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर अ वाटर कुशन इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा क्या है, सिस्टर्न है, ठीक है। और जब यहाँ से वाटर, जब यहाँ पे यहाँ से जब वाटर फ्लो होगा तो क्या रहता है, यहाँ पे हमारा वाटर कुशन प्रोवाइडेड रहेगा। कितने हाइट तक, एक्स हाइट तक। और एक्स हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे सिस्टर्न कहलाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक्स होगा,
जो कि हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टर्न कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा वर्टिकल टाइप का था उसमें भी हमने क्या प्रोवाइड किया था, वाटर कुशन प्रोवाइड किया था। ये इतना तक हमने वाटर कुशन प्रोवाइड किया था जो कि हमारा प्रिवेंट कर रहा था किससे, इरोजन ऑफ बेड से। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्लेसियस टाइप में भी हमने क्या किया है, वाटर कुशन प्रोवाइड किया है। इसको आप यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये जो स्लैंटेड शो हो रहा है ये हमारा क्या है, ग्लेसियस है। यहाँ पे ये जो है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रेस्ट है। यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ हाइट पे होगा, ये हमारा वाटर क्या होगा, ये हमारा कैनाल का अपस्ट्रीम है जिसमें कि अभी मैंने दिखाया था कि जो हमारा क्रेस्ट था, ठीक है, ये क्रेस्ट क्या करता है कि जो वाटर है उसको जमा करके रखता है। ये कुछ हाइट पे होगा तो ये जो वाटर है इसका कुछ वेलोसिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस क्रेस्ट के कारण कम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये जो वाटर है नीचे आएगा किसके थ्रू, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, स्लैंटेड ग्लासेस है, ठीक है, इसके थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट स्लैंटेड ग्लासेस है, इसके थ्रू हमारा क्या होगा, वाटर नीचे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ग्लासेस है, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे ग्लासेस को प्रोवाइड किया है। और इससे पहले हमने क्या प्रोवाइड करते हैं, हम क्रेस्ट वॉल प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो वाटर का वेलोसिटी है वो कम हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या था, स्ट्रेट ग्लासेस फॉल था, ये जो हमारा क्या था, क्रेस्ट था, ठीक है, यही हमने वहां पे भी क्रेस्ट देखा था। ये क्या कर रहा था कि यहाँ से जो भी वाटर यहाँ पे आएगा इसका वेलोसिटी को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, क्रेस्ट प्रोवाइड किया है जिससे हो कि हमारा वाटर को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर कुशन भी हम प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण ये क्या करता है कि जो हमारा सॉइल का इरोजन है उसको प्रिवेंट करता है। और ये जो हमारा शो हो रहा है रेड कलर से, ये क्या है, हमारा ग्लेसिस है, स्ट्रेट ग्लेसिस हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और ये जो हमारा स्लोपिंग रहता है हमारा जो ग्लेसिस का, वो कितना होता है, 2:1 का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ग्लेसिस है। और ये जो हमने प्रोवाइड किया है ये क्या है, हमारा कुशन है, ठीक है, हमने कुछ डेप्थ तक हमने क्या किया है वहां पे, पहले ऑलरेडी वाटर को स्टोर करके रखा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वाटर कुशन कहलाएगा। तो जब यहाँ पे वाटर क्या करेगा, फॉल करेगा, तो ये सॉइल के इरोजन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। दीज हैव गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और ये किसके लिए सुटेबल है, हमारा 60 क्यूमेक्स तक हमारा डिस्चार्ज के लिए ये क्या है, सुटेबल है। और जो हमारा ड्रॉप होगा कितने हाइट तक होना चाहिए, 1.5 मीटर हाइट तक ड्रॉप के लिए हमारा ये सुटेबल है। जब हमारा ड्रॉप का जो हाइट रहेगा ज्यादा रहेगा तब हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा क्या है, ग्लेसिस टाइप को। और जब हमारा ड्रॉप का हाइट कम है तो क्या करेंगे, हम वर्टिकल ड्रॉप टाइप को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वर्टिकल ड्रॉप टाइप में हमने देखा था कि यहाँ पे जब हाइट ज्यादा रहता था तो कुछ लॉसेस हो रहे थे, ठीक है, हमने एक पॉइंट देखा था उसमें कि ड्यू टू हाई डेप्थ देयर इज सम लॉसेस। तो इसमें क्या होता है कि हम उस लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्लैंटेड बना देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो लॉसेस है वो कम हो। तो स्लैंटेड बनाएंगे तो ये किस टाइप का कहलाएगा, हमारा स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप हमारा कहलाएगा। और इसमें भी हम सेम ही वर्टिकल टाइप से ही सेम रहेगा, हमारा क्या रहेगा, हमारा वाटर कुशन रहेगा, सिर्फ क्रेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो क्रेस्ट रहेगा वो क्या करेगा, जो वाटर के वेलोसिटी को कम कर सके। और जो हमारा कितना डिस्चार्ज के लिए ये हम प्रोवाइड करेंगे, 60 क्यूमेक्स तक के लिए हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ग्लासेस का जो स्लोप रहेगा वो 2:1 का रहेगा। और यहाँ से जो वाटर हमारा आ रहा था, ठीक है, वो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा था तो इसको हमको कम करना था, इसलिए भी हमने क्या किया है, स्लैंटेड टाइप प्रोवाइड किया है ताकि इसका जो लेंथ है हमने हमको इंक्रीज कर सके। हम ये जो पहले हम क्या कर रहे थे, वर्टिकल टाइप में स्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे थे तो उसका जो लेंथ था वो हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जब स्लैंटेड टाइप प्रोवाइड किया है तो इससे हम क्या कर रहे हैं, वाटर के पाथ को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो है इस वाटर का जो है एनर्जी का डेसिपिएशन होगा। तो यहाँ पे जब ये फॉल करेगा तो इसका जो एनर्जी रहेगा काफी लॉस हो चुका रहेगा, जिसके कारण ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा हमारे सॉइल को। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, मोंटेग्यू टाइप फॉल। इसमें क्या होता है, इसमें बस एक ही डिफरेंस है, ग्लेसिस टाइप का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। उसमें हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे थे जो हमारा ग्लेसिस था वो, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पैराबोलिक प्रोवाइड करते हैं। क्यों पैराबोलिक प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा वाटर का जो पाथ है उसको हम बढ़ा सके। ये देखिए यहाँ से इसमें जो वाटर का पाथ होगा वो किस तरह से होगा, ये वाटर का पाथ हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोलिक होगा, जिसके कारण ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब वो स्ट्रेट था तो कम डिस्टेंस ट्रेवल
ट्रेवल कर रहा था, तो पैराबोलिक में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ज्यादा एनर्जी का क्या होगा, डेसिपिएशन होगा, और यहाँ पे जब ये फॉल करेगा तो फिर क्या करेगा, हमारा जो सॉइल रहेगा उसको कम इरोड करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैराबोलिक ग्लेसेस फॉल प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो क्या है, स्ट्रेट ग्लेसेस फॉर्म, स्ट्रेट ग्लेसेस था फॉल, उसमें क्या किया था हमने, सिर्फ वर्टिकल के जगह स्लैंटेड प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है, स्ट्रेट ग्लासेस में। अब मॉन्टेग्यू टाइप में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो हमारा स्लैंटेड ग्लासेस है इसको भी हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करके इसको क्या कर देते हैं, हम पैराबोलिक कर देते हैं। बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने क्या प्रोवाइड किया है, क्रेस्ट प्रोवाइड किया, ये हमारा क्या है, क्रेस्ट है, ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसमें भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कुशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से भी हमारा क्या होगा, मेसनरी स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या करेगा, हमारा जो यहाँ पे वाटर स्टोर करेगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, वाटर कुशन कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा कैनाल फॉल का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आप लोग को ये सारे जो टाइप्स है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।